हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक सैनी और आप देख रहे हैं विवूज ऑटो ब्लॉग्स। वेलकम अगेन। आज का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया है। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि एक जो मैसेज है वो काफी वायरल हो रहा है, उसके पीछे एक छोटी सी केस स्टडी है ये। इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 आवर्स जब से मैं इसके रिसर्च कर रहा हूं उसके ऊपर। मेरे एक फ्रेंड है IOCL में और मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया, तो कुछ उनके ऊपर भी बातें हुई इसके ऊपर। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो यू माइट बी यूजिंग अ बाइक, यू माइट बी यूजिंग अ कार एज वेल। आप में से कुछ लोगों के पास में कार भी होगी या फिर आप कुछ भी ऐसा व्हीलर यूज कर रहे होगे जो फ्यूल कंजम कर रहा होगा। और आप व्हाट्सएप पे तो होंगे ही, और नहीं भी हो तो यार फेसबुक पे तो आई गेस आप होंगे ही होंगे। तो वो वायरल मैसेज क्या है, इंडियन ऑयल के द्वारा एक मैसेज या फिर एक नोटिफिकेशन लोगों को स्प्रेड किया जा रहा है, जिसके ऊपर इंडियन ऑयल ने तो अभी डिनाई कर दिया ट्वीट करके कि इट इज ऑल फेक। बट पहले आपको मैसेज पढ़ा देता हूँ कि क्या है। आपके स्क्रीन पर एक्चुअली रनिंग आ रहा है तो मैं पहले पढ़ के भी बता देता हूँ। आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि होना तय है, इसलिए अपने वाहन में पेट्रोल अधिकतम सीमा तक ना भराएं। यह ईंधन टैंक में विस्फोटक का कारण बन सकता है। कृपया आप अपने वाहन में आधा टैंक ही ईंधन भरवाएं और एयर के लिए जगह रखें। इस हफ्ते में 5 विस्फोटक घटनाओं की वजह अधिकतम पेट्रोल भरने से हुआ है। कृपया पेट्रोल टंकी को दिन में एक बार खोलकर बन रही गैस को बाहर निकलने दें। नोट, इस मैसेज को आप अपने परिवार के सदस्यों व अन्य सभी को भेजें जिससे लोग इस दुर्घटना से बच सकें। धन्यवाद। जी हाँ, ये तो मैसेज इंडियन ऑयल के द्वारा दिया गया है एज पर दिस इमेज। तो इस मैसेज को थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, इसको उसके ऊपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसी ही कुछ ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग DIYs या फिर से रिव्यूज बनाता रहता हूँ अक्सर, और आज का जैसे सेशन है ये भी करता रहता हूँ। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, हियर इज द इंस्टाग्राम आईडी। आप यहाँ पर मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको कुछ भी ऐसा टॉपिक या फिर कुछ क्लियर करवाना है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेके, यू कैन पिंग मी देयर। सो विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, ये जो मैसेज फैल रहा है ये एक बहुत बड़ा हॉक्स है, वायरल हो चुका है। लास्ट ईयर समर्स में भी आया था और इस साल भी समर्स में दोबारा से कदम रख चुका है इसने, और लगभग सभी के पास ये मैसेज पहुंचा है। मेरे पास कुछ 20-25 दिन पहले पहुंच चुका था, बट मेरा मन नहीं था इसके ऊपर बनाने के ऊपर वीडियो। मेरे को लगा फिर शायद क्यूरियोसिटी लोगों में ज्यादा है इसके बारे में जानने के लिए। एनीवे, सबसे पहली बात की किसी भी कंप्लीटली फिल्ड फ्यूल टैंक में कभी भी आग नहीं लग सकती। अगर आप उसके अंदर इग्नाइट भी करोगे ना तब भी उसमें आग नहीं लगेगी। अगर उसका टेम्परेचर आप कुछ 1000 डिग्री तक भी पहुंचा दोगे तब भी उसमें आग नहीं लगेगी, अगर वो कंप्लीटली फुल है तो। इसके पीछे रीजन ये है कि किसी भी फ्यूल को या फिर किसी भी मटेरियल को बर्न होने के लिए 15:1 रेशियो थ्योरी को फॉलो करना पड़ता है। 15 गुना एयर होनी चाहिए उस एक गुने मटेरियल की या फिर फ्यूल की। अगर इतना सा मैं पेट्रोल ले रहा हूं तो इसका 15 टाइम्स या 15 गुना मेरे पास हवा होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए उसे जलाने के लिए। और यही रीजन होता है कि एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो हम लोग मेंटेन करके रखते हैं इंजन में, ताकि उस फ्यूल में आग लग सके और कंप्रेशन के बाद में एक बड़ा सा एक्सपेंशन दे और आपकी गाड़ी को एक पावर स्ट्रोक मिले। एक बार क्या हुआ था ना, नेशनल ज्योग्राफिक ने इसी बेसिस पे 4 डिफरेंट गाड़ियां ली। पहली गाड़ी में सबसे ज्यादा फ्यूल भरा, उसको पूरा फुल कर दिया, एंड दूसरी लास्ट वाली गाड़ी में सबसे कम फ्यूल रखा। जो लास्ट वाली गाड़ी थी वो सबसे बड़ा एक्सप्लोजन उसमें हुआ, बजाय सबसे पहले वाली गाड़ी में। जो सबसे पहले वाली गाड़ी थी उसमें एक्सप्लोजन हुआ ही नहीं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, ऑक्सीजन को कट डाउन कर दिया गया था। और यही रीजन होता है कि हम लोग पानी फेंकते हैं या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल कंबल वगैरह डालते हैं जहां पे आग लग रही होती है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना होता है, हमें 15:1 रेशियो को क्रॉस करना होता है, उसको खत्म करना होता है। सो ये एक बहुत बड़ा मिथ लोगों के दिमाग में है कि अगर आप फ्यूल टैंक को फुल कर दोगे तो आप प्रेशर उसमें इतना ज्यादा क्रिएट हो जाएगा फ्यूल टैंक में और वो एक्सप्लोजन का कारण बनेगा। दिस इज कम्प्लीटली नॉनसेंस, दिस इज कम्प्लीटली अटरनेस। अब एक और रीजन की बात कर लेते हैं। जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत वास्ट है, दे हैव स्पेसिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर से डिपार्टमेंट्स फॉर देम रनिंग। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अलग डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की अलग रिसर्च टीम्स है, IOCL, BAPCL, HPCL, SR एंड मेनी अदर सच कंपनीज जो इंडिया में है एक्चुअली, और जो बाहर की हैं वो तो फिर ऑब्वियसली बहुत वास्ट इंडस्ट्री है फ्यूल इंडस्ट्री। तो इस तरीके से नहीं होता है, सबकी रिसर्च को फॉलो किया जाता है, सबकी रिसर्च को माना जाता है। फ्यूल पंप्स जो होते हैं वो
इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि उनमें प्रेशर वेरिएशन की वजह से या फिर एक्सीडेंटल इम्पैक्ट की वजह से कभी भी आग नहीं लग सकती है। फ्यूल टैंक में कभी भी आग इस तरीके से नहीं लग सकती है कि उसमें प्रेशर का वेरिएशन आ रहा है, यानी कि प्रेशर घट रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उस वजह से कभी भी आग नहीं लग सकती है। एक और रीजन आपको बताता हूँ कि जो पेट्रोल फ्यूल टैंक्स होते हैं वो दो शेल में बनाए जाते हैं, अपर शेल एंड लोअर शेल। अपर शेल और लोअर शेल की जो थिकनेस होती है हालांकि होती बहुत कम है, लेकिन उन दोनों के बीच में गैप मेंटेन किया जाता है जिसके थ्रू एयर फ्लो होती है और वो एज एन इंसुलेशन बिहेव करती है, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करने नहीं देती, इंसुलेट कर देती है, निकाल देती है। ठीक है जी, अब ये जो दोनों अपर एंड लोअर फिल्म्स होती हैं या फिर शेल्स होते हैं उसमें ऊपर वाले टेम्परेचर तो काफी ज्यादा हो सकता है लेकिन नीचे वाला टेम्परेचर नहीं हो सकता जो फ्यूल के कॉन्टेक्ट में है। तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू यू नो पुट सम इग्निशन इन अ पेट्रोल फ्यूल टैंक। और रीजन की बात करते हैं, जब पेट्रोल के इग्निशन पॉइंट की बात की जाती है तो 250 डिग्री सेल्सियस होता है, 250 डिग्री सेल्सियस से पहले वो सेल्फ इग्नाइट नहीं हो सकता, यानी कि उसमें खुद ब खुद आग नहीं लग सकती है। ठीक है जी, अगर ऐसा है तो हमारे अर्थ का नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना होता है? अगर मैं अभी की बात करूं तो लेट्स अज्यूम 40-45, या फिर हम लोग सबसे ज्यादा अज्यूम कर लेते हैं डेथ वैली 57 डिग्री सेल्सियस है वहां का टेम्परेचर। तो 57 और 250 में 5 टाइम्स का अंतर है, तो 5 गुना ज्यादा टेम्परेचर कैसे सेल्फ इग्नाइट कर लेगा पेट्रोल? ये फिजिबल ही नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बस बेवकूफ बनाने वाली बात होती है। और अगर वैसे भी बात करें तो हमें फिर, अगर ऐसा ही था तो हमें फिर स्पार्क प्लग की जरूरत पड़ती है। आपको पता है एक स्पार्क प्लग कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करता है? 12,000 से लेके 25,000 वोल्ट के बीच में वो इग्नाइट करने की क्षमता रखता है किसी भी फ्यूल और एयर के मिक्सचर को। एयर फ्यूल मिक्सचर से आप रूबरू होंगे, एयर 15:1, वो आपने देखा होगा कि एयर फ्यूल मिक्सचर डीजल का अलग होता है, पेट्रोल का अलग होता है। ठीक है जी, तो 15:1 पेट्रोल का होता है एयर फ्यूल मिक्सचर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अगर ऐसा होता तो फिर हमें स्पार्क प्लग की क्यों जरूरत पड़ती है अगर वो सेल्फ इग्नाइट ही होना है तो उस टेम्परेचर पे। अब एक और रीजन की बात कर लेते हैं, फोर्थ रीजन हो जाएगा HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। ये शायद आप रूबरू ना हो, इट इज द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग फ्यूल टैंक्स और शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है फ्यूल के, और मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट माना जाता है। उसमें कभी ये आशंकाएं नहीं आती है, या फिर अगर प्लास्टिक ही इसको बोले, पॉलीइथिलीन इसको बोले, तो उसमें इग्निशन नहीं हो सकता है। बिकॉज अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल का टेम्परेचर इट मे गो अबव, बट प्लास्टिक्स आर मोर कूलर देन मेटल्स। वो उनका इसीलिए यही रीजन होता है कि हम लोग इंसुलेशन में प्लास्टिक्स यूज करते हैं। देखा है ना, स्विचेस हमने देखे प्लास्टिक्स के, मन इंस्पाइट ऑफ इट वो कंडक्ट भी नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी और हीट को भी कंडक्ट नहीं करते हैं, प्लास्टिक मटेरियल्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए फ्यूल टैंक्स भी HDPE से बनते हैं, यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन से बनते हैं। बस इतना ही था। ये जो हॉक्स दुनिया में फैलाई जा रही है, जो लोगों में जगती है और वो वायरल मैसेजेस बना देते हैं एडिट करके, ऊपर लोगो इंडियन ऑयल का और नीचे बड़ी बड़ी ऑरेंज बैकग्राउंड के साथ में व्हाइट डिस्प्ले कर देते हैं टेक्स्ट को और बोलते हैं नोट कि अपने फ्रेंड जोन में, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में इसको स्प्रेड कीजिए, अटर नॉनसेंस है, लोगों को मिसगाइड करने वाली बात है। एनीवे, हाँ, याद आया नोट वाले सेक्शन से, प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, जो उनके दिमाग में हॉक्स बैठा हुआ है। इट शुड गेट क्लियर वेरी सून, और मेरे ख्याल में आपको शेयर कर देना चाहिए। जल्दी से शेयर का बटन दबा दीजिए और स्प्रेड कर दीजिए, वायरल कर दीजिए एटलीस्ट इस वीडियो को, ताकि लोग परेशान ना रहे और यार ये सब हॉक्स से, कहते हैं ना वायरल सच आता है वो प्रोग्राम टीवी पे, उससे पर्दाफाश हो जाए। तो यस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, डू ड्राइव सेफ और हेलमेट एंड सीट बेल्ट को पहन के चले। यस, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपका कोई टॉपिक मेरी हिट लिस्ट में आए। टेक केयर।